माय चैनल द अर्बन स्टोरी, जहां हम बात करते हैं ऑल अबाउट होम डेकोर, लाइफस्टाइल, डीआईवाईज, फैशन एंड मच मोर। सो अभी वेडिंग सीजन चल रहा है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग को अपकमिंग वेडिंग फंक्शंस अटेंड करने होंगे। अब घर की शादी हो तो आप लोग फिर भी गोल्ड ज्वेलरी पहनना प्रेफर कर सकते हैं, बट देन गोल्ड ज्वेलरी में हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं होते कि हम बदल बदल के उन्हें पहन सके। सो हमें चाहिए होती है ऐसी ब्यूटीफुल येट अफोर्डेबल ज्वेलरी जो हम डिफरेंट डिफरेंट वेडिंग फंक्शंस में पहन सकें। सो मैं आज आप लोगों के लेके आई हूँ ऐसे ही कुछ अफोर्डेबल येट वेरी ट्रेंडी एंड क्लासिक ज्वेलरी पीसेस जो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। सो विदाउट मच फर्दर डू, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। सो जस्ट अ डिस्क्लेमर, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है एंड मैंने ये सारे ज्वेलरी पीसेज अपने हार्ड एंड मनी से खरीदे हैं और ये सारे ही ज्वेलरी पीसेज मैंने मिंत्रा से परचेज किए हैं और इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी पीस पसंद आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड द फर्स्ट ज्वेलरी पीस दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस ब्यूटीफुल टेम्पल नेकलेस जो कि है फ्रॉम द ब्रांड ज़वेरी पर्ल्स। सो ज़वेरी पर्ल्स इज अ ब्रांड दैट इज नोन फॉर इट्स अफोर्डेबल ज्वेलरी एंड येट उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था एंड वंस यू ओपन, सो इसके अंदर कुछ बबल रैप भी था जो ऑफकोर्स मैंने निकाल दिया बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस नेकलेस ऑन। सो ये नेकलेस कुछ इस तरह का दिखता है, ये एक टेम्पल ज्वेलरी का इमिटेशन है। यहाँ पे इसमें आइडल्स बने हुए हैं और नीचे यहाँ पे वाइट कलर की पर्ल डिटेलिंग दी गई है। सो इमिटेशन ज्वेलरी आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, स्पेशली टेम्पल ज्वेलरी का इमिटेशन। बट इंस्टाग्राम स्टोर्स पे भी अगर आप लेने जाएंगे तो ईजिली आपको 5,000 to 6,000 रुपीज उसके लिए देने पड़ेंगे एंड दिस पीस कॉस्टेड मी जस्ट ₹424। सो एट दैट प्राइस पॉइंट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत स्टर्डी है, बिल्कुल भी फ्लिम्सी नहीं है, इतना डेलिकेट नहीं है कि आप पहनेंगे और ये टूट जाएगा। इसके ईयरिंग्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, आप देख सकते हैं, देर वेरी वेरी लाइट वेट, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करते हैं। सो इस तरह की ज्वेलरी आप किसी भी सिल्क साड़ी के साथ ईजिली पेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट द सिल्क सूट दैट आई एम वेयरिंग उसके साथ भी ये नेकलेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो स्पेशली अगर आपने कोई गोल्ड या ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है तो उसके साथ भी ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आई हाईली रिकमेंड दिस ज्वेलरी पीस एट द प्राइस पॉइंट विच आई परचेज। तो अगर आपको ये उस प्राइस पे अवेलेबल है और अच्छा लगता है देन डू गो फॉर इट। सो नेक्स्ट अप इज दिस ब्यूटिफुल नेकलेस फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड रूबन्स। जितने भी पीसेस मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उसमें से ये सबसे महंगा परचेज है एंड दिस नेकलेस कॉस्टेड मी अराउंड 1400 रुपीज। सो अगेन ये एक टेम्पल ज्वेलरी की इमिटेशन है, बट लेट मी टेल यू गाइस, दिस नेकलेस इज टोटली वर्थ द प्राइस दैट आई पेड फॉर इट। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है, एज यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। इफ़ यू कैन सी इट, काफ़ी लाइट वेट है और जो प्रॉपर एक रेडिश टोन होता है साउथ इंडियन गोल्ड में, ये उस तरह की फिनिश में आता है, एक मैट गोल्ड फिनिश है इसकी और इसमें इस तरह के ग्रीन और पिंक कलर के रूबीज दिए गए हैं और नीचे पर्ल डिटेलिंग है। सो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है अगर आपने कोई सिल्क की साड़ी पहनी है। मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी जस्ट टू शो कि मैंने इसको किस तरह से स्टाइल किया है एंड आई एम टेलिंग यू आई गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑन दिस ज्वेलरी। तो अगर आप टेम्पल ज्वेलरी का कोई अफोर्डेबल इमिटेशन ढूंढ रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत क्लैरिटी है इसकी डिज़ाइन में, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे ये ज्वेलरी पीस खरीद करके। और ये ईयरिंग्स भी बहुत खूबसूरत है, बहुत क्लैरिटी है उसकी भी डिज़ाइन में और बेस्ट पार्ट इसकी ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो अगर आप पूरा नेकलेस नहीं पहनना चाहते हैं और आप अपनी किसी साड़ी के साथ सिर्फ ये इयररिंग्स पेयर करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। सो डू चेक दिस ज्वेलरी पीस आउट। और जो ये ब्रांड है रूबन्स, इसमें इसी तरह के सिमिलर और भी टेम्पल ज्वेलरी की इमिटेशन पीसेस अवेलेबल है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप आई हैव दिस गॉर्जियस चोकर सेट अगेन फ्रॉम द ब्रांड ज़वेरी पर्ल्स। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ था, एक प्लास्टिक बॉक्स है और इसके अंदर ये बबल रैप होके आया था। सो ये एक चोकर सेट है विच इज़ इन द शेड ऑफ ग्रीन एंड वाइट,
इसमें आपको इयररिंग्स के अलावा एक रिंग भी मिलती है जो कि आई थिंक इज अ प्रीटी गुड डील। तो ये वाइट एंड ग्रीन कलर में है और यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे से वाइट एंड ग्रीन कलर के पर्ल्स दिए गए हैं और यहाँ बीच में कुछ गोल्डन कलर के पर्ल्स भी दिए गए हैं। तो ये चोकर सेट बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और इसका प्राइस वो समवेयर अगेन अराउंड 500 रुपीज़, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और ये मतलब चोकर सेट आई थिंक किसी भी ड्रेस पे, किसी भी कलर पे, किसी भी स्टाइल के कपड़े पे जाएगा। आप देख सकते हैं ये चोकर सेट कितना ज़्यादा खूबसूरत है और ग्रीन कलर आई थिंक किसी भी कलर पे, किसी भी कलर को कॉम्प्लीमेंट करता है, जस्ट द वे आई इट्स डूइंग टू माई ड्रेस विच इज़ गोल्डन इन कलर। ये आप किसी भी ग्रीन कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी, येलो कलर की साड़ी या फिर ब्लैक कलर की साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। तो इसकी इयररिंग जो दी गई है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है एंड काफ़ी लाइट वेट है और इसके रिंग भी बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इट्स क्वाइट जो स्टेटमेंट रिंग्स होते हैं ये उस तरह का पीस है, बिल्कुल भी क्वालिटी में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीप क्वालिटी का है। मुझे तो ये पीस बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई नो मैं इसको बहुत ही तरह से स्टाइल कर पाऊँगी। दिस पीस लुक्स गॉर्जियस एंड आई थिंक आई लव इट। नेक्स्ट अप आई हैव दीज इयररिंग्स फ्रॉम द ब्रांड एक्सेस फर। सो ये इस तरह की कुछ पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था और ये बहुत ही सुंदर से पिंक कलर के इयररिंग्स हैं। सो एक्चुअली ये झुमकी है। सो कई बार ऐसा होता है कि वी आर वेयरिंग अ ड्रेस विच हैज़ अ हैवी नेक लाइन और हम गले में कुछ पहनना नहीं चाहते, वी जस्ट वॉन्ट टू हैव सम स्टेटमेंट इयररिंग्स। सो उस केस में आप इस तरह की इयररिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत से इयररिंग्स है। इयररिंग कुछ इस तरह की दिखती है, यहाँ पे वाइट कलर की पर्ल डिटेलिंग है और वाइट कलर के नग दिए गए हैं। नीचे एक झुमकी है जिसमें अगेन वाइट कलर के पर्ल्स हैं और जैसे कि कुंदन ज्वेलरी में जो डिज़ाइनिंग होती है कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स बने हैं पूरी ही झुमकी पे। ये इयररिंग्स काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो अगर आप इनको लॉन्ग आवर्स के लिए भी पहनना चाहें तो आपके कानों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है। सो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ ज्वेलरी पीस जिसको हम स्टेटमेंट इयररिंग्स बोल सकते हैं। और अगर आप सिर्फ इयररिंग्स अपनी ड्रेस के साथ पेयर करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है। यू जस्ट वेयर दीज इयररिंग्स एंड यू आर गुड। सो इन इयररिंग्स के प्राइस की अगर हम बात करें तो ये मुझे पड़ी थी फॉर अ प्राइस ऑफ ₹399 और आई नो फॉर अ पेयर ऑफ झुमकीज दिस सीम्स अ लिटिल कॉस्टली, बट इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन सच अ पीस जो कि मुझे पता है कि काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। इफ़ यू हैपन टू लाइक दिस पीस देन आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट और लास्ट पीस है वो है ये ब्यूटिफुल से चांद बालीज। These are gorgeous. I cannot tell you ये कितने ज़्यादा सुंदर है। So honestly जब मैंने order किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा expectation नहीं थी क्योंकि this was the first jewelry piece जो कि मैंने online order किया था, but जब मुझे ये receive हुए oh my god ये कितने ज़्यादा सुंदर है। इनको recently मैंने अपनी दिवाली साड़ी के साथ भी pair किया था। मैं picture insert कर दूँगी just for your reference so that you know कि ये मैंने कैसे style किए थे, but ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो ये इतने, ये थोड़े हैवी और बड़े से चांद बालीज हैं बट स्टिल दे आर वेरी लाइट वेट, सो बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होते। इसमें नीचे इस तरह के पर्ल्स दिए गए हैं विच आर ग्रीन इन कलर और पूरी ही चांद बाली पे वाइट कलर के नग और पर्ल की डिटेलिंग है। सो ये अगेन बहुत ही ज़्यादा जो स्टेटमेंट एंड एलिगेंस से एथनिक ज्वेलरी पीसेस होते हैं ये उनमें से एक है। सो यू जस्ट वेयर दीज इयररिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। आपको नेकलेस या नेक पे कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये इयररिंग्स पहन सकते हैं एंड यू विल बी द हाईलाइट ऑफ द फंक्शन। सो ये इयररिंग्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो दीज आर फ्रॉम द ब्रांड कॉल मेलेनी बोर्सा और इनका प्राइस पड़ा था मुझे अराउंड 890 रुपीज़। अगेन फॉर द प्राइस पॉइंट मुझे तो ये काफ़ी पसंद आए, इनकी क्वालिटी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस पीस।
सीरीज. तो अगर आपको ये पसंद आता है, अगेन डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे. आई होप आप लोगों को जो ज्वेलरी पीसेस मैंने दिखाए वो पसंद आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स.